हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रियाज़, एक नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं व्हाट एंड हाउ, हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम समर टाइम सागा की इस गेम में जो है एक नई चीज़ हमारे सामने होने जा रही है कि एनॉन को पड़ेगी मार, वो भी डिजास्टर से, जो कि रॉक्सी का बॉयफ्रेंड है उससे इसको मार पड़ेगी। होता क्या है कि जनाब मिस जॉनसन जो है एनॉन के पास सुबह सुबह आती हैं कि एरक जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, वो कभी स्कूल से लेट हुआ ही नहीं, लेकिन आज वो स्कूल गया ही नहीं। पता नहीं क्या बात है, आप उसके क्लोजली फ्रेंड हैं तो जाके उससे पूछें कि माजरा क्या है। तो एनॉन कहता है कि ठीक है, मैं जाके उससे पूछता हूँ कि क्या बात है। और उसके साथ ही मिस जॉनसन जो है उससे कहती है कि ये कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि जो है एरक ने स्कूल से छुट्टी की हो, लेकिन आज वो अपने बिस्तर से उठा ही नहीं और मैंने उसे बार बार स्कूल जाने का कहा है लेकिन वो स्कूल नहीं गया। इस पर जो है एनॉन जो है हैरान होता है और मिस जॉनसन से कहता है कि मैं एनॉन मिस जॉनसन से कहता है कि मैं जा के चेक करता हूँ। तो यहाँ से जो है एनॉन जो है जाता है एरक के घर पर। अब चलते हैं हम एरक के घर पर और एरक से पूछते हैं कि माजरा असल क्या है। यहाँ पर हम मैप पे गए और गए एरक के घर और एरक के रूम में, और साथ ही हमें एरक मिल जाता है। तो एनॉन जो है एरक से बात करता है और इस हवाले से पूछता है कि माजरा क्या है। तो एरक जो है एनॉन को ये बताता है कि जो डेक्स्टर जो है, जो रॉक्सी का जो है बॉयफ्रेंड है, डेक्स्टर जो है उसने क्या किया है कि जनाब मुझसे कहा है कि जनाब मुझे अपना होमवर्क दो ताकि मैं जो मिस बेस्टी को जो है होमवर्क जो है वो चेक करा सकूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे पास होमवर्क नहीं है, अगर होता तो मैं आपको दे देता। उस पर जो है डेस्टर ने जनाब मुझे जो है लॉकअप में बंद कर दिया और काफ़ी देर तक मुझे वहां पर रखा और मुझे मारा भी, ठीक है। इसलिए जो है मैं स्कूल नहीं जा रहा, अगर मैं दोबारा स्कूल गया तो जो है डेस्टर मुझे फिर मारेगा। तो एनॉन कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये तमाम बातें बता दी, और मिस जॉनसन को ये चीज़ें आपने नहीं बतानी, ठीक है। इस हवाले से इनकी बात हो जाती है और एनॉन कहता है कि सुबह हम जाएंगे स्कूल और देखते हैं कि असल माजरा क्या है, क्या होता है। तो जनाब अब चलते हैं हम स्कूल में, ठीक है। यहाँ से हम वापस तो मैप पे गए और यहाँ से चलते हैं स्कूल में। तो जनाब स्कूल में डेस्टर जो है हमारे सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं एरक को इसने जनाब ग्रेबान से मजबूती से पकड़ा हुआ है और एरक वही बात कर रहा है कि जनाब मुझे छोड़ दो, लेकिन डेस्टर जो है बजिद है कि वो कह रहा है कि जनाब मुझे होमवर्क दो तब मैं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप मुझे होमवर्क नहीं देते तो मैं आपको जो है फिर जो है लॉकअप में जो है यहाँ पर बंद कर दूँगा। लेकिन अनॉन जो है बार बार तरले ते मिनता जनाब कि मैं छोड़ दियो, लेकिन जो है डेस्टर जो है वो नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो है बातचीत होती है और इसी दौरान पे जो है एनॉन आ जाता है और एनॉन कहता है कि जनाब एरक को छोड़ दो। इस पर जो है यहाँ पर डेस्टर जो है गुस्से हो जाता है और दोनों की जो है यहाँ पर फाइट होती है। एरॉन जो है यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करता है और जो है डेस्टर के साथ जो है फाइट करता है और एक किक जो है उसके पेट में लगाता है और जिससे कि जो है डेस्टर को जो है काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन इसके बाद जो है डेस्टर जो है एक पंच रिसीव करता है और साथ ही जनाब एनॉन की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसके ग्रेबान को उसको मजबूती से पकड़ लेता है और उसे जनाब इधर उधर जो है काफ़ी जो है उसकी धुलाई कर देता है। और इस तरह यहाँ पर जो है जब वो ज़मीन पर गिरा होता है तो माया आ जाती है और माया जो है उसको सहारा देती है और डेस्टर को कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आवाज़ और शोर सुनकर जो है रॉक्सी भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि डेस्टर की जो है वो गर्लफ्रेंड है यहाँ पर आ जाती है। और इसके साथ ही जनाब अली स्कूल में काफ़ी जो है वो शोर शराबा जो है वो शुरू हो जाता है और एनॉन जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। रॉक्सी और जनाब अली माया की जो है यहाँ पर बातचीत होती है और
डस्टर जो है रॉक्सी को लेकर चला जाता है, और तभी यहाँ पर एरिक, मिस बेस्टी और स्कूल का जो है दूसरा स्टाफ भी जो है वो आ जाता है, और तमाम लोग सलाह करते हैं कि जनाब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको क्यों ना हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो तमाम जो है मिल के इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। अब चलते हैं जनाब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जनाब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन जो है बेड पे लेटा हुआ है, और एक नर्सिंग जो है उसकी जो है तीमारदारी के लिए मौजूद है। तो दोस्तों आज करते हैं इस वीडियो का एंड, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।